दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। दोस्तों एक प्रशासनिक अधिकारी हैं शिवदीप लांडे, जो इसी बीच इस्तीफा दे दिए अचानक, और उसके बाद ये कह दिए कि मेरी कर्मभूमि बिहार ही होगी और मैं बिहार में ही रहूंगा। इसके बाद जो है मीडिया में लगातार ये खबरें दौरा की, आखिर शिवदीप लांडे ऐसे ऐसे यंग IPS ऑफिसर जो कि बहुत लंबे समय से बिहार में रहे और उनका एक अलग ही रहा रुतबा रहा, तो आखिर रिजाइन देने का क्या वजह है। इसके पीछे लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे, या कई सारी बातें निकल के आ रही है। इस बीच हम बात करेंगे पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से कि क्या कहानी दिख रही है सर, शिवदीप लांडे का अचानक इस्तीफा देना और बिहार मेरी कर्मभूमि है। ये सही कहा आपने, दर्शकों को मालूम होगा ये जो शिवदीप लांडे हैं ये 2006 बैच के IPS हैं, मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अकोला जिले के, और अभी ये पूर्णिया के IG पद पर तैनात हैं। और 4-5 दिनों पहले इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि 18 साल की सेवा के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ नौकरी, और उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि लेकिन बिहार में ही रहूँगा और बिहार मेरी कर्मभूमि बना रहेगा। तो उसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि हो सकता है राजनीति में कूदने की इनकी ख्वाहिश हो, इनकी मंशा हो। और चूंकि अभी बिहार में एक जन स्वराज की बहुत चर्चा है, अभी 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च होने वाला है और कई पूर्व IAS IPS उसमें शामिल भी हुए हैं, इसलिए फिर ये भी मतलब कयास लगाया गया कि लांडे और पांडे दोनों साथ साथ दिखेंगे, मतलब शिवदीप लांडे और प्रशांत किशोर पांडे, और लांडे और पांडे की जुगलबंदी बिहार की राजनीति में कुछ गुल खिलाएगी, मतलब ऐसी एक अटकलबाजी शुरू हो गई। जी सर, ये अटकलबाजी तो है, लेकिन क्या कोई इतने बड़े प्रशासनिक पद को सीधे कुछ समझ के इस्तीफा दे दे, इसके पीछे कुछ क्या मंशा रहता है लोगों का? आप भी प्रशासनिक अधिकारी रहे। देखिए मंशा तो ये है कि अभी बिहार में पलटू राम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो भी ईमानदार IPS अधिकारी है वो एक बेचैनी महसूस कर रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और बाकी माफिया सरगनाओं के भी पैर पर पड़ते रहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री ही माफिया सरगनाओं के गिरोह में शामिल हो जाए तो IPS अधिकारी को लगता है कि अब इसमें क्या काम किया जाएगा। इसलिए देखिए शिवदीप लांडे ने अभी इस्तीफा दिया, इसके पहले श्रीमती काम्या मिश्रा हैं जो अभी दरभंगा की ग्रामीण SP हैं, बैक टू बैक ऑफिसर इस्तीफा दे रहे हैं। वही बोले ना, ये बहुत मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले नहीं होता था। और काम्या मिश्रा तो 2019 बैच की IPS है, मतलब मुश्किल से कोई 5 बरस में है नौकरी में, और उसकी भी अच्छी छवि थी, पटना में भी ASP सचिवालय थी, वो उड़ीसा की रहने वाली है, मयूर भंज की, और उसने कुछ महीने पहले इस्तीफा भेज दिया पुलिस मुख्यालय को कि मैं निजी कारणों से छोड़ना चाहती हूँ नौकरी। अब जो राजविंदर सिंह भट्टी सर थे जो DGP थे बिहार के 90 बैच के, तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन वो चले गए बिहार छोड़ के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, CISF के DG बन गए। और ऐसे तो कहने के लिए CISF का DG और DGP दोनों समकक्ष पद हैं, लेकिन तब भी एक प्रदेश के DGP का जो रुतबा होता है वो तो नहीं है CISF के DG का। तो एक तरफ से भट्टी साहब ने भी एक ज़्यादा महत्वपूर्ण पद को छोड़ दिया है कम महत्वपूर्ण पद पर जाने के लिए, तो उनकी भी हताशा समझी जा सकती है, क्योंकि जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का सरदार पटेल भवन है बेली रोड पटना में, उसमें एक कुर्मी लॉबी है। अच्छा जी, उसमें 2 कुर्मी IPS हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और वो कुर्मी लॉबी को सीधे पलटू राम का आशीर्वाद प्राप्त है, और वो कुर्मी लॉबी इतना ज़्यादा हावी है पुलिस मुख्यालय में कि कोई भी DGP का कुछ चलने नहीं देती है। आप देखिए भट्टी साहब की ये दशा हो गई थी कि कहने के लिए वो DGP थे राज्य के, लेकिन एक सिपाही का वो तबादला इधर से उधर नहीं कर सकते। तो वैसे में तो कोई भी DGP को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि किस बात का मैं DGP हूँ जब एक सिपाही को मैं इधर से उधर नहीं कर सकता। तो सर कुर्मी लॉबी ही आज लांडे को पांडे के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है कि कुर्मी लॉबी का जिस तरह से पुलिस मुख्यालय पर और बिहार में अफसरों का मूल्यांकन भी उनकी ईमानदारी के आधार पर नहीं किया जाता, उनकी मतलब कार्यशैली पर नहीं किया जाता, इस पर किया जाता है कि आप किस जाति के हैं। जैसे पलटू राम का समीकरण है लंकुश समीकरण, मतलब कुर्मी और कोयरी, तो कुर्मी और कोयरी पदाधिकारी जो नालायक भी हैं भ्रष्ट भी हैं उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, और जो लोग कुर्मी कोयरी नहीं है उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो सर एक में रखा सर गया ये सवाल है कि नेता तो जातपात करके देश को बर्बाद कर ही रहे हैं। जी जी, क्या ये अधिकारियों को भी जातपात में जो है बदनामी के जिंदगी में ढाला जा रहा है?
होता है ना, जब जब सिस्टम ध्वस्त होता है तो उसमें तो सब पिसते हैं ना। मान लीजिए सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा कि जिसकी भी वजह से, उसमें नेता पिसेंगे, नेता मान लीजिए सिस्टम ध्वस्त के अधिकारी पिसेंगे, आम जनता पिसेगी, सब लोग पिसेंगे, नेता अधिकारी सब स्वभाव में नंगे हो जाते हैं, सब नंगे हैं। और उसमें क्या होता है कि जो अब मेरा ही आप उदाहरण देखिए, मुझे भी समय से पहले रिटायर करा दिया गया है ना। 10 साल तक मेरा प्रमोशन पलटू राम ने रोक के रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत कर मैंने प्रमोशन हासिल किया, मैं सीधे एसपी के वेतनमान से आईजी के वेतनमान में आया। और उसके बाद 2018 में मुझे ये कहते रिटायर करा दिया गया कि इनका नौकरी में रहना लोकहित में नहीं, मतलब मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई आरोप नहीं है, सिर्फ लोकहित का हवाला दे के मुझे रिटायर करा दिया गया। अभी मैं अदालत में केस लड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरा SLP है। तो कहने का मतलब सही सवाल ये भी है ना कि आपके जो बॉस हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? यहाँ से अनुशंसा भेजते हैं ना, रिपोर्ट भेजना पड़ता, अनुशंसा भेजते हैं। जैसे कि ठीक आपने सही कहा, IPS ये अखिल भारतीय सेवा है, हम भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठ कर कौन आपको बिहार में आपका काम जान रहा है? बिहार सरकार आप अनुशंसा करती है कि भाई इनको रिटायर किया जाए, तो वहाँ पर तो एक औपचारिकता होती है, उस पर मोहर लगा देती है भारत सरकार। और खासकर वैसे समय में जब यहाँ और वहाँ दोनों एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, तब तो और आसानी से मोहर लगती है। तो ये सब मतलब राजनीतिक षड्यंत्र करके ईमानदार अधिकारियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, जो कि बिहार के लिए बहुत मतलब एकदम प्रशासनिक सेवा से लोगों का तो विश्वास उठेगा। अब धीरे धीरे तो विश्वास उठ ही रहा है ना, धीरे धीरे तो उठ ही रहा है। अभी देखिए पूजा खेड़कर का मामला आप जानते होंगे, पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की IAS ऑफिसर थी, 2023 बैच की थी। अब उसका बाद में आया कि उसने मतलब अपना फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देके वो मतलब दिव्यांग कोटे में वो IAS बन गई। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो सरकार ने उसको मतलब नौकरी से हटाया। तो पहले जो बेईमानी होती थी छोटे मोटे मतलब स्तर पर, वो बेईमानी अब मतलब उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, UPSC तक उसका शिकार हो गया है। तो ये जो सिस्टम का ध्वस्त होना तो सबके लिए चिंता की बात है। लेकिन सर केके पाठक जैसे लोग तो वो तो किसी का सुनते नहीं, चाहे मुख्यमंत्री हो कोई भी हो। देखिए केके पाठक जैसे लोग मतलब अब अपवाद स्वरूप रह गए हैं, अपवाद स्वरूप रह गए हैं, जो अपना डटे हुए हैं और मतलब कुछ सनक के बावजूद, सनकी होने के बावजूद टिके हुए हैं, पूरा गलियाते भी हैं और लेकिन हो सकता है वो भी यदि मुख्यमंत्री से ओपनली पंगा ले ले तो हो सकता है उनको भी कोई कीमत चुका नहीं पड़े। जब तक शिक्षकों को गरियाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री को गरिया देंगे उनके साथ भी कुछ हो जाएगा। जैसा कि कई अधिकारियों से पता चला है मुझे सूत्रों से कि वो तो मुख्यमंत्री को भी ऐसे ही बात करते हैं रैंडमली, जो एकदम क्लियर कट बात होता है। अब इसका तो मैं गवाह नहीं हूँ। देखिए मैं इसका गवाह नहीं हूँ, पाठक सर को मैंने देखा है, उनके साथ मीटिंग भी अटेंड की है। चार लोग साथ में रहे हैं? नहीं, साथ में हम लोग रहे नहीं, लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स में हम लोग सब आते थे, वो भी रहते थे, फ़ोन पर कभी कभार बात होती थी जब वो राजस्व पक्ष पर नहीं थे तो। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि उन्होंने कभी ऐसे मुख्यमंत्री को या किसी को मतलब ऐसे ओपनली तो पंगा नहीं दिया, चैलेंज नहीं किया। सर कहीं कहीं अब सवाल ये उठता है कि जो आईकॉन होता है, देखिए अधिकारी, बड़े अधिकारी जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस जिले में काम करते हैं, वो प्रशासनिक क्षेत्र में उनका एक अपना रुतबा और काम का लोगों का एक फैन फॉलोइंग होता है। जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ऐसे में रिस्पेक्ट को धूमिल कर दिया जाए और वो लगे कि हम पंगू बन के जिंदगी जी रहे हैं, अकवर्ड फील हो, उनको लगे कि यार इतने बड़े नौकरी लेकर के भी हम ये नौकरी नहीं, मतलब कि ये गधे की जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर तो मामला सर क्या लगेगा आपको? वही बात है, ये पतन हुआ। देखिए TN शेषन साहब कहते थे कि जो सिविल सेवाएं हैं वो पहले स्टील फ्रेम होती थी, अंग्रेजों के समय उसको स्टील फ्रेम कहा जाता था, ICS वगैरह, स्टील फ्रेम मतलब इस्पात का ढांचा, वो पूरे देश को एक करके और मजबूती प्रदान करता था। और शेषन साहब कहते थे कि अब जो वो स्टील फ्रेम था वो बैम्बू फ्रेम हो गया, बांस का ढांचा हो गया। तो इतना जो पतन हुआ, खास के आज़ादी के बाद और तेजी से पतन हुआ, और पिछले कुछ साल में तो खैर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो सही उन्होंने कहा कि जो सिविल सेवाएं थी वो इस्पात के ढांचा से बांस का ढांचा हो गई है। और अब तो देखिए जो 99% जो IAS IPS हैं पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, वो समझिए मर्दाना कमजोरी के शिकार, इतने नामर्द हो गए हैं, इतने नपुंसक हो गए हैं कि इनकी औकात नहीं है सच बोलने की। अब आप बिहार का उदाहरण हटा देगा तो क्या बोलेंगे? वही है ना। अभी देखिए बिहार की स्थिति देखिए, पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को डंके की चोट पर जेल से छोड़ दिया, उस आनंद मोहन को जिसने एक IAS ऑफिसर का खून कर दिया। तो कायदे से बिहार के IAS एसोसिएशन को उसका विरोध करना चाहिए,
है ना, आईएएस एसोसिएशन है बाकायदा, उसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब कोई हैं, लेकिन एक चूं की आवाज तक आईएएस अधिकारियों ने नहीं निकाला। तो सर एसोसिएशन भी मिला हुआ है, मिला है क्या, मर्दाना कमजोरी का शिकार है, शिकार डर के मारे कुछ नहीं बोलता, इनको सिर्फ गरीबों पर भौंकने आता है। तो सर अब लांडे जो है जो भी कुछ करेंगे वो कहीं ना कहीं लोग प्रयास लगा रहे हैं कुछ बिहार में पॉलिटिकल काम कर रहे। ऐसा इसलिए है कि देखिए, एक तो उसने लिखा कि बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगा, दूसरी बात है कि लांडे के जो ससुर हैं वो महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। ससुर उनका नाम है शिवदीप विजय तारे, और शिवदीप नहीं सॉरी विजय शिव तारे। अच्छा, वो शिवसेना के नेता है, विजय कनेक्शन बड़ा अलग है, वही मैं कह रहा था। इसके जो ससुर हैं विजय शिवतारे नाम है, वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, महाराष्ट्र में वो 2014 से 19 तक विधायक थे, मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे देखिए तो शिवदीप का भी मतलब एक पॉलिटिकल कनेक्शन है, ससुर ही राजनीति में है, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि होता है ससुर नहीं जमाई राजा को गुरु मंत्र दिया हो, राजनीति का कुछ गुरु सिखाया हो गुरु मंत्र, तो ये सब भी बातें हो रही हैं जी। तो सर ये तो महाराष्ट्र में उनके ससुर मंत्री या शिवसेना में जो भी है जी, लेकिन बिहार में क्या होगा? ठीक है, लेकिन राजनीति में तो बहुत सारे गुरु मंत्र हैं जो कि महाराष्ट्र पर भी फिट होते हैं, बिहार में भी लागू होता है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है ही। देखिए तो ऐसे तो इस्तीफा देके कोई ऐसा नहीं है कि शिवदीप लांडे कमंडल लेकर हिमालय जाने वाले हैं। ये तो कम से कम मैं भविष्यवाणी कर ही सकता हूँ। तो जरूरी है ही। खैर पैसा तो उनकी वाइफ डॉक्टर है ममता शिवतारे लांडे की, ऐसा नहीं है कि उसकी दाल रोटी पर कोई संकट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम संन्यास के मूड में आ गए हैं और अब कमंडल लेके हिमालय पर नहीं जी जी जी। और अगर अच्छे ये लोग हैं फैमिली से तो हाँ, अब तक तो शिवदीप की साफ सुथरी छवि रही, अब तक कोई ऐसा मतलब बड़ा विवाद इससे नहीं जुड़ा है जी जी। तो ठीक है, देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों शिवदीप लांडे एक होनहार आईपीएस के रूप में और सब लोगों के चहेते थे बिहार में। बिहार में कहा जाता है कि बिहार में तालियां भी बहुत दी जाती है और गालियां भी बहुत दी जाती है, तो तालियां बहुत बटोरा है शिवदीप लांडे, लेकिन अचानक इस्तीफा देने के बाद जो है मामला गर्म हो गया और उसके बाद तमाम लोग कयास लगाते हैं कि अब लगता है शिवदीप लांडे हो गए अब प्रशांत किशोर पांडे का। तो क्या प्रशांत किशोर पांडे का होंगे या फिर कुछ और होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सब क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।